बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद Q&E। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक मज़ेदार सी डिश जो कि सबको बहुत पसंद होती है, बच्चों को भी और बड़ों को भी, और उसका नाम है चाउमीन। जी हाँ, जैसे जिनको आम तौर पर घरों में स्पगेटी भी कहा जाता है, ये हमने स्पगेटी ली है और इसका हम आज एक चाइनीज़ डिश बनाएंगे जिसका नाम है चाउमीन। ये वेजिटेबल के साथ भी बनता है और चिकन के साथ भी बनता है, एग के साथ भी बनता है, लेकिन आज हम आपको चिकन और वेजिटेबल्स के साथ चाउमीन बनाना बताएंगे। चिकन वेजिटेबल चाउमीन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है चिकन। यहाँ हमने 150 ग्राम चिकन लिया है। आप चिकन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बच्चों को के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा चिकन ऐड कर दें, वो इस बहाने मीट बहुत शौक से खा लेते हैं। बड़ों के लिए बना रहे हैं तो कम भी कर सकते हैं। सोया सॉस की ज़रूरत हमें पड़ेगी, टोमेटो केचप चाहिए होगा हमें आधी कप, ऑयल चाहिए होगा हमें हसब ज़रूरत, स्पाइसेस में हमें नमक चाहिए होगा, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, ये दो लहसुन के क्लोव्स हैं जिनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और चिकन पाउडर। वेजिटेबल्स में हमें चाहिए होगी हरी प्याज हमने कटी हुई ली है, गाजर, इसको आप देखें हमने जूलियन कटिंग कर लिया है, कैबेज ली है ये भी हमने लंबी बारीक बारीक काट ली है, और कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। और जाहिर सी बात है सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो हमें दरकार होगा वो होगा स्पगेटी। मैंने बेक पार्लर की स्पगेटी ली है, आप जो भी आप ब्रांड यूज़ करते हैं वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक डेगची में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसमें एक टेबलस्पून नमक और एक टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ये हमने 500 ग्राम का कॉल्सन स्पेगेटी का बैटर लिया था, ये पूरा हम इसमें डाल देंगे। और इस बात का आपको ख्याल रखना है कि इसका कुकिंग टाइम 15 टू 20 मिनट्स है। अगर आप इसे ज़्यादा कुक करेंगे तो स्पेगेटी जो है वो आपकी सौगी हो जाएगी, नरम हो जाएगी, और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो फिर ये टूटने लगेगी। तो लिहाजा टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर स्पेगेटी तैयार हो जाएगी। जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको किसी भी छन्ने में छान कर इसका पानी फेंक देंगे और इसको एक दो बार ठंडे पानी से गुजार लेंगे। जब तक हमारी स्पेगेटी बॉयल हो रही है हम उसके लिए चिकन तैयार कर लेते हैं। एक स्टोव पे हमने पैन रखा है, अब इसमें तकरीबन ये मेरे पास हाफ टेबल स्पून है यहाँ पर मेजरमेंट, इसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला। अगर मुझे ज़्यादा ऑयली स्पगेटीज़ पसंद नहीं है, वो चिपचिप करने लगती हैं, हाथों में चिपकती हैं। अगर आप ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं तो डाल लें, लेकिन कम ऑयल में बहुत अच्छी स्पगेटीज़ होती हैं, तो लिहाजा मैंने कम ऑयल डाला है, 2 टेबल स्पून। अब इस ऑयल में सबसे पहले ये जो हमने लहसुन बारीक बारीक काट के रखा था इसको आप पिसा हुआ मत लीजिएगा, इसी फॉर्म में लीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये डालते हैं, ये देखिए हमारा लहसुन फ्राई हो रहा है और इसकी बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। ये लहसुन हमारा फ्राई हो गया, इसमें हम ये चिकन डाल देंगे। ये देखें चिकन का कलर हमारी चेंज हो गया, ये इस तरह का कलर हो जाएगा, और आप तेज आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही जूसी और टेंडर चिकन रहेगी। अब इसमें हम ये स्पाइसेस डाल देते हैं, जिसमें हमने लिया है 1 टेबल स्पून काली मिर्च, आधा टेबल स्पून हमने इसमें कुटी हुई मिर्च दी है। वैसे चाइनीज लोग बिल्कुल कुटी हुई मिर्च नहीं खाते हैं, लेकिन हम क्योंकि थोड़ा सा देसी टच देते हैं अपने चाउमीन को, इसलिए हमने कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून हमने लिया है नमक और 1 ही टेबल स्पून हमने लिया है चिकन पाउडर, ये डाल देंगे। दो टेबल स्पून हम सोया सॉस डालेंगे। और अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये गोश्त जो है वो गल जाए। अब इसे ऊपर
ओपन करके देखते हैं। ये देखें हमारी चिकन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले शिमला मिर्च डाली है हमने एक प्याली। हरी प्याज कटे हुए ये भी एक प्याली। गाजर है। तमाम सब्जियों की क्वांटिटी हमने इक्वल रखी है। चाउमीन में ये वेजिटेबल्स बहुत ही मज़े की लगती हैं, लेकिन हमें इनको गलाना नहीं है, सिर्फ इतना कुक करना है कि ये क्रिस्पी रहें। ये देखिए ये वेजिटेबल्स हमने अच्छी तरह स्पाइसेस के साथ मिक्स कर लिए हैं। और अब हम इस पे स्पेगेटी डालेंगे। ये देखिए ये स्पेगेटी है जिसको हमने बॉईल करके और इसको सारा पानी ड्रेन करके रखा था। अब इस पे बिल्कुल एंड में हम ये सारा टोमेटो केचप डाल और अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। और हमारा मज़ेदार और बेहद आसान चिकन एंड वेजिटेबल चाउमीन तैयार है। आप इसे अपने घर में बनाएं, घर में मौजूद चीज़ों से ही, और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे आपको मेरी नई आने वाली रेसिपीज का नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।